सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर एन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स। सो सीबीएसई टर्म वन में सर फिजिक्स की नोट्स कैसे बनाएं? यार ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चा लोग, जो लगातार मुझे मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, इतने बार मिलते हैं कि लगा कि चलो आज समय निकाल करके इस पर एक प्यारा सा वीडियो बनाया ही जाए। इसीलिए बच्चा लोग हमने आज डिसाइड किया कि आज आपकी लाइव क्लासेस के जगह पर एक रिकॉर्डेड प्यारा सा ये वीडियो आपके लिए बनाया जाए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिले। मैं अपनी थॉट्स यहाँ पर दूंगा क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है और आप लोग मुझसे लाइव क्लासेस भी पढ़ते हो। सो मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सुनकर, जिसे करके, उसे अप्लाई करके बच्चा आपके बहुत बेहतरीन स्कोर आएंगे। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो बच्चा। हर बच्चे को पता है कि फिजिक्स में नोट्स बनानी है तो पहला तरीका यही होता है कि स्कूल में टीचर्स ने जो पढ़ाया हमने वहाँ से देख लिया, या ट्यूशन में टीचर ने पढ़ाया हमने वहाँ से लिख लिया, जो सर ने बोला बोर्ड पे चेपा हमने लिखा, या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर आप जैसे भी पढ़ते हो, जहाँ से पढ़ते हो। देखो इट्स नॉट लाइक कि आपको यहीं से पढ़ना है, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट कि आपको फिजिक्स समझ में कहाँ से बहुत बेहतरीन आता है। हो सकता है कि वो आपके स्कूल के टीचर ही हो, बहुत कम चांस है। हो सकता है कि वो आपके ट्यूशन के टीचर हो, चांसेस थोड़े हैं, या हो सकता है लाइव क्लासेस के टीचर हो, चांसेस उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा ठीक ठाक तो होगा ही ना, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ आप ये डिसाइड कर लो बच्चा, बिफोर मेकिंग द फिजिक्स नोट्स, या पहले ये जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें नोट्स बनाना है, उससे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको फिजिक्स पढ़ के मज़ा कहाँ से आ रहा है। एक बार डिसाइड कर लिया टीचर से, मुझे ये टीचर से अच्छा लग रहा है, लाइव क्लासेस सचिन सर की देख रहे हैं, या हम किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, या हमने जो है ये टीचर से पढ़ना है, या स्कूल का टीचर है, ये टीचर को पकड़ के फिक्स कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनकी कोई भी क्लासेस को रेगुलरली देखना है बच्चा, कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आपने रेगुलरली किसी भी टीचर को फॉलो किया तो करना ये होता है कि वो जो भी पढ़ाते हैं वो फटाफट आप जो नोट करते हो उसे डायरेक्टली अपने मेन वाली नोट के अंदर मत लिखो। देखो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कैसे स्कोर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन कर सकते हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो, नीट के स्टूडेंट्स हो, बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट अपने रेगुलर नोट्स में मत लिखिए बच्चा, आप सबसे पहले ना उसे एक रफ में लिखिए। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। अगर आपने उसे रफ में लिखा है ना, तो एक बार आप इसी बहाने पढ़ने बैठोगे कि नहीं यार सचिन सर ने मुझे बोला है, हमारे बाबा एसएसपी ने बोला, एक बार हमें नोट्स के अंदर भी जाना पड़ेगा, हमें लिखना है। ठीक है, तो एक मेन नोट आपकी होनी चाहिए रेगुलर, आपके एक टीचर ने जो पढ़ाया है बोर्ड पर, जो भी लिखा है उसे आपने अपने कॉपी में उतारा, अब उसे देखते हुए आपको नोट्स तैयार करने हैं। पहली बात क्लियर हुई, टीचर फिक्स करिए। दूसरी बात क्लियर हुई, रेगुलरिटी में रहिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं डेली, आप उनके जो भी पढ़ाते हैं वो आपने रफ में लिखा, अब रफ से नोट्स में कैसे आना है, मेन नोट्स में कैसे आना है, वो चीज़ ध्यान से समझो। सो बच्चा मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया आपको। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, सर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चार्ट लेके आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्माइली बनी हुई है। बच्चा अभी नीट की एग्ज़ाम हुई थी और जेई मेंस तो चलो अलग लेवल पर चला जाएगा, और सीबीएसई टर्म वन बहुत हद तक नीट पर डिपेंड करता है। इस बार जो टर्म वन आपकी एग्ज़ाम होने वाली है एमसीक्यू बेस्ड, एनसीईआरटी फिजिक्स की खास करके सिर्फ लाइन बाय लाइन करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइन बाय लाइन करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि अगर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें लिखा है हेडिंग, मेन हेडिंग में कूलम्स लॉ, तो उस कूलम्स लॉ को आसान तरीके से आपको कहाँ से समझ में आता है वो चीज़ देखो। चाहे कोई रेफरेंस बुक हो, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे लाइव क्लासेस से पढ़ रहे हो, और वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लिख लो। अगर मैं अपनी बात करूं बच्चा, तो मैं आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं कहता कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जाओ, क्योंकि नहीं आते हैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और सीबीएसई टर्म वन अब बेस्ड आपका एनसीईआरटी हो गया, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला सवाल भूल जाइएगा। क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग से निकालो कि हमें एनसीईआरटी देख देख करके अपने बुआ सर एनसीईआरटी में ये, तो हमें ये वाली बुक से बनानी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने जिस टीचर से डिसाइड किया बच्चा, उनके नोट्स को बनाने के लिए ये वाले पैटर्न को फॉलो करिए जो कि लिखा गया है डी एफ एंड देन क्यू। फिजिक्स में 90% डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ डी का मतलब वही है।
एफ का मतलब फॉर्मूला है और मैं साइड में एस भी लिख देता हूँ स्लैश करके, शॉर्ट या फिर फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला, एंड देन क्यू का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अगले वाले स्लाइड के अंदर बताता हूँ कि करना कैसे है बच्चा, आपको अपनी बेस्ट नोट्स कैसे बनानी और कैसे आप स्कोर लेकर के आ सकते हो। तो यहाँ देखिए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आज आपने सचिन सर के क्लास के अंदर, अपने बाबा एसएसपी के क्लास के अंदर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा और मैं तो हैंड रिटन नोट्स आपको बना के देता ही हूँ। तो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, आपके टीचर ने स्टेटमेंट लिखवाया होगा या बोला होगा या सिर्फ लिख दिया होगा या प्रोपोर्शनल टू के क्यू एन क्यू टू, वॉट एवर द टीचर हैज़ रिटन, वो स्टेटमेंट बढ़िया से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और फिर बीच में ये जो कांस्टेंट आते हैं वो सब, कि भाई के बराबर 9 × 10⁻⁹ है, यूनिट इतना है, एप्सिलॉन नॉट इतना है, ये सब कुछ जैसे जैसे टीचर ने बताया है आपने रफ नोट में बड़ा अजीब तरीके से लिखा होगा, बट इसको बहुत प्यारे तरीके से पहले लिख दीजिए। और ध्यान रहे बच्चा, जिस पेज पर आप लिख रहे हो उस पेज के, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेज है बराबर, तो इस पेज में इतना हिस्सा छोड़ दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान से समझना। ये जब मैं पढ़ाता था बच्चा पार्टी, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं ले सकता दिक्कत है, तब मैंने वहाँ ये चीज़ सीखी थी, बहुत प्यारे टीचर हुआ करते थे तो उनसे ये चीज़ सीखा था मैंने। तो बच्चा लोग यहाँ पर ये वाला पेज का जो हिस्सा है मतलब 25% छोड़ दीजिएगा, 75% में आपके जो रफ नोट्स थे उससे आपने यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन या स्टेटमेंट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला सब कुछ कर लिया। अब बाजू में आपको यहीं पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो ये शॉर्ट नोट्स और ये डेली का, ये आपका मेन कॉम्बो है बहुत बेहतरीन नोट्स का। साइड में पेंसिल से खींच दीजिए लाइन और शॉर्ट नोट में क्या बनाइए, यहाँ से उठाइए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ से इस पेज से उठाइए के की वैल्यू, इसका यूनिट एप्सिलॉन नॉट, ये धीरे 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 टॉपिक वाइज बच्चा आपको पता चलता जाएगा कि शॉर्ट नोट्स में बनाना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 25% में बच्चा आपका वो चीज़ हो जाएगा फॉर्मूला प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप हमारे लेक्चर से पढ़ रहे हो, आपके बाबा एसएसपी से पढ़ रहे हो, तो बार बार ये बताया जाता है बच्चा एफ अपॉन एफ एम अपॉन अपसलान अपॉन अपसलान नॉट अपसलान आर इज इक्वल टू कैपिटल के, बच्चा यहीं से क्वेश्चन आता है, मैं ऐसा आपको हर बार बोलता हूँ। तो बस ये वाला हिस्सा जो आप यहाँ पर लिखे रहोगे वही चीज़ यहाँ भी कर देना। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी ना बच्चा, तो क्योंकि आप ये पढ़ पढ़ के ही ये बनाए हो, तो बस शॉर्ट नोट्स देखना होगा, क्योंकि इस बार का पैटर्न आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड है, तो जो बच्चा बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बनाएगा वो एग्ज़ाम में आग लगाएगा। और 100% अगर आप रियल एसएसपीएन हो तो इस बार के एग्ज़ाम में आप भौकाल मचाओगे, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए या डेरिवेशन फॉर्मूला इसको किस तरीके से करना है बच्चा, आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पे नहीं जाना है, एक पेज में 75% हिस्सा यूज करिए, उस 75% हिस्से में जो डेली पढ़ाया जाता है वो लिख लीजिए, उसके बाद बच्चा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, मेन मैथमेटिकल पॉइंट्स, फॉर्मूलास, उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशन फॉर्मूला, एंड जैसे ही आपका एक टॉपिक पूरा होता है आपको तुरंत बच्चा उनके एग्जाम्पल्स करने चाहिए। कुछ आपके लाइव क्लासेस में हो जाते हैं, कुछ आप डेली प्रैक्टिस पेपर से करते हो, या कुछ आप रेफरेंस बुक से करते हो, जहाँ से भी पढ़ते हो तुरंत आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ कूलम्स लॉ लिख करके, पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया, दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व किया, तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व किया, चौथा एग्जाम्पल सॉल्व किया, इसकी हैबिट आपको डालनी चाहिए। दिस वे यू कैन गेट 100% फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स माय डियर स्टूडेंट। और अगर आप अभी से लगोगे तब जा करके टर्म टू में आपको बहुत अच्छे नोट्स बनाने की हैबिट पड़ेगी, क्योंकि इस बार एमसीक्यू वाला पैटर्न है और टर्म टू में थ्योरेटिकल आएगा, तो वो थ्योरेटिकल भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप बच्चा लोग कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझ में आ गया, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में भर भर के लिख दीजिएगा यस सर बाबा एसएसपी हम ये DFSQ पैटर्न को फॉलो करेंगे। DFSQ, यहाँ D का मतलब डेरिवेशन हो गया, फिर F का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चा, F/S शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला, और फिर ये जो आपका Q है बच्चा लोग वो है आपका क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स। इस पैटर्न को आपको डेली फॉलो करना है, राइट। चलिए, बहुत बहुत आभार बच्चा पार्टी, आज भगवान श्री गणेश का विदाई होने के एक दिन पहले का ये वीडियो है,
सो इसीलिए आज घर पर जो है बच्चा लोग जल्दी जाना होगा, छप्पन भोग आरती है। एंड भगवान श्री गणेश से आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप सब के चेहरे पर हमेशा ऐसे मुस्कुराहट बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। कल संडे है, कल हम लोग रात को नहीं आफ्टरनून में मिलेंगे ठीक 12 बजे। और जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बहुत सारी जगह पर पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों लोग, इसलिए वो होता है, चल रहा है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल का बहुत हद तक हमने हिस्सा कवर कर लिया है, सब कुछ हो चुका है। अब कल कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और कल 2-3 घंटे की ज़बरदस्त लाइव क्लास होगी कैपेसिटर का, ठीक है? तो ज़रूर उसे ज्वाइन करिएगा कल 12 बजे, आज की क्लास की जगह पर हम कल कर रहे हैं, ठीक है? एंड बहुत जल्दी आपको सैम्पल पेपर भी दे दिए जाएंगे, उससे आप प्रैक्टिस भी करना। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसे जरूर शेयर करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।